welcome to Career Competent. We help you to find the best career for you. 1991 के बाद हमारी इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था आईटी सेक्टर का आना। जैसे जैसे आईटी कंपनीज आती गईं, वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली गईं। आईटी सेक्टर का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक सबसे बड़ी बात आती है कि इस सेक्टर में उन लोगों के जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं जो या तो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या फिर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपका ये सोचना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर आप आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं और आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन ऑप्ट। तो जानते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है साइंस की जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं या फिर कुछ ऐसे मेथड डेवलप करते हैं या कुछ ऐसे टूल्स बनाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल डेटा को समझने में। बायोलॉजिकल डेटा मतलब जीन का रेगुलेशन, फंक्शन ऑफ जीन्स, उनकी सीक्वेंस, उन सबको समझने के लिए हमारी मदद कर। आज हम जानने वाले हैं बायोमेडिकल करियर के बारे में। क्या होता है बायोमेडिकल? बायोमेडिकल का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहली बात आती है कि इस कोर्स को वही लोग परस्यू कर सकते हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से भी हो तो आप बायोमेडिकल में अपना करियर बना सकते हो। बायोमेडिकल एक ऐसी फील्ड है साइंस की जिसमें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और बायोलॉजी तीनों कंबाइन होकर इम्प्रूव करती हैं ह्यूमन हेल्थ को, हेल्थ केयर को और मेडिसिन को। अब बायोमेडिकल इंजीनियर्स डिज़ाइन, डेवलप एंड इम्प्रूव डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस ताकि वो अच्छे से काम करें और एक्यूरेट रिजल्ट दे सकें। एक आप जितने भी पैकेज फूड यूज़ करते हैं, भले ही वो नेस्ले के प्रोडक्ट हों, अमूल के प्रोडक्ट हों या फिर पतंजलि के प्रोडक्ट हों, ये सारे ही बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में आपने बीटी कॉटन का नाम काफ़ी सुना होगा। बीटी कॉटन ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं जिनसे उनकी फसल जो है और अच्छी तरीके से ग्रो करें। बीटी कॉटन तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे नेचर में आ चुके हैं, जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो सब बायोटेक के ही देन हैं। बायोटेक इंडस्ट्री इज़ अ रैपिड ग्रोइंग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। जिन कैंडिडेट्स के अंदर पैशन है, क्रिएटिविटी है और रिसर्च करने में इंटरेस्टेड है, वो सारे इस बायोटेक इंडस्ट्री में जा सकते हैं या बायोटेक को परस्यू। एक बायो इन्फॉर्मेटिशियन की सैलरी अप्रॉक्स 20,000 to 25,000 होती है पर मंथ, और ये सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि एक स्टूडेंट्स कर सकता है आफ्टर परसुइंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपने पीजी कोर्स कर लिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टीचर और एज अ लेक्चरर भी काम कर सकते हैं। एक बायोमेडिकल इंजीनियर कोलैबोरेट करता है डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से और रिसर्चर्स से ताकि वो सॉल्व कर सके जितनी भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो एक बायोमेडिकल इंजीनियर को 20,000 to 25,000 सैलरी मिलती है पर मंथ, और ये सैलरी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें बायोमेडिकल नाम का एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स रिक्रूट करे जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बायोमेडिकल नाम का डिपार्टमेंट होता है जिसमें बायोमेडिकल इंजीनियर्स को रखा जाता है एट गुड पे स्केल। मल्टीनेशनल कंपनीज भी हायर करती हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट को और उन्हीं अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होती है, रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 10 lakhs। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स कैंडिडेट्स को, जैसे बायोबेस डेटाबेस प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर, बायो इमेजिन प्राइवेट लिमिटेड पुणे, साइटोजीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नोएडा। ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे एक बायोमेडिकल इंजीनियर वर्क कर सकता है, जैसे LNT, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, फिलिप हेल्थ केयर। एक बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर सकता है एज अ एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, जहाँ पे उसको कुछ ऐसे एजुकेशनल सेशन करने होते हैं जिसमें वो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ही कैन ऑल्सो वर्क एज अ टेक्निकल एडवाइज़र। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट को हायर करती हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोकॉन, पेनीशा बायोटेक, डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरी एंड गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड।
अगर आपने ग्रेजुएशन करी है बायोटेक में, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप एक टीचर और एक लेक्चरर की तरह भी वर्क कर सकते हैं। या फिर पीएचडी करने के बाद आपको कई सारी सीएसआईआर की लेबोरेटरीज होती हैं, जहां पे आपको एज अ साइंटिस्ट भी रिक्रूट करा जा सकता है। सो थैंक यू एंड करियर कॉम्पिटेंट विशेज यू गुड लक फॉर योर करियर।